हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैंने बनाया है नवरात्रि के लिए। आप ये चाहे तो दुर्गा पूजा के लिए भी मेकअप कर सकते हैं, लेकिन 4th of October को रॉयल ब्लू कलर डे है, तो उस दिन पे आप ज़रूर ये मेकअप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज मैं लगा रही हूँ नेचर्स कुकी सैफ्रॉन रेडियंस फेस क्रीम। आप चाहे तो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एलए गर्ल का करेक्टर और कंसीलर यूज़ करके मेरे जो भी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट है उसको कवर करूँगी। उन दोनों को एक्चुअली मैंने मिक्स किया है, तो ऑरेंज करेक्टर और जो कंसीलर है उसको मिक्स किया है और बहुत ही अच्छा एक शेड बनाया है। और यहाँ पे मैं अपने फेस पे जो भी पिगमेंटेशन है उसको करेक्ट करूँगी। तो मैंने पहले लगा लिया है वो कंसीलर और उसके बाद मैं उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉन्स बेबी क्रीम, इसीलिए मैंने ये करेक्टिंग बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि अगर हाई कवरेज फाउंडेशन होता तो ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। बट अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं पॉन्स बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड मीडियम है, तो ये मैं लगाऊंगी। इसके लिए मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से करेक्टिंग की है। तो ये मैंने अपने फेस पे लगा ली है और उसके बाद मैंने पैक का ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, तो इसको डैबिंग मोशन में आपको बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है। उसके बाद मैंने वही कंसीलर लिया है एले गर्ल का, इसका शेड है नेचुरल, और इसको मैंने मेरे अंडर आइज पे और जहाँ पे डार्क स्पॉट थे वहाँ पे लगाया है। उसके बाद मैंने मेबिलिन की ये कॉम्पैक्ट यूज़ करी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर का ये सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, ये मिस क्लेयर का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे है। उसके बाद मैंने यूरोप गर्ल पेरिस का ये आई शेडो पैलेट लिया है, उससे मैंने मेरे आईब्रोज फिलअप किए हैं और उसको सेट किया है। उसके बाद ये है नायका की ग्लैमर आइज वाली आई पेंसिल, और इसमें जो ये रॉयल ब्लू कलर है, दैट इज़ एज्योर चार्म इसका नाम है, तो ये मैं अपने पहले लिड पे लगाऊंगी। आपको यहाँ पे बेस क्रिएट करना है, इसलिए मैंने इस तरीके से लगा लिया है। उसके बाद आपको ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा स्मज आउट करना है। उसके बाद ये सिस ब्यूटी का पैलेट है, इसमें से ये जो राइट कॉर्नर का शेड है वो मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। तो पहले तो आपको प्लेस करना है ये कलर और फिर उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है। तो दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लेके आपको उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद ये मेकअप रिवोल्यूशन लंदन का पैलेट है और इसमें से पर्पल और ब्लू कलर का शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ। पर्पल कलर का शेड मैंने लिड पे लगा लिया है मिडिल पे, और ब्लू कलर का शेड मैंने आउटर कॉर्नर पे लगा लिया है। उसके बाद मैं क्रीज को फिर एक बार अच्छे से डिफाइन करूँगी। उसके बाद इसी पैलेट में से जो बीच वाला शेड है उसको मैं अपने क्रीज में लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से, एकदम थोड़ा सा लाइक क्रीज लाइन जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, तो उस तरीके से मैं ये लगा रही हूँ, थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट क्रीज में देने के लिए। उसके बाद ये है रेवलॉन का काजल, इस काजल को मैं अपर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, और जो मेरा एज्योर चार्म वाला काजल था नायका का वो मैं लोअर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं मेरे लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आईज मेकअप बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुआ है। उसके बाद वही बीच वाला शेड है उसको मैं मेरे आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। अब मैं मेरे लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, और उसके बाद ओरिफ्लेम द वन का ये मस्कारा मैं अप्लाई करूंगी अपर लैशेस पे और लोअर लैशेस पे। अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है शुगर का ये मिनी ब्रॉन्जर, इसका शेड नंबर 02 है। देन मैंने मेकअप रिवोल्यूशन लंदन पैलेट में से ये जो एक शिमरी शेड था उससे मेरे आईब्रो बोन को हाईलाइट किया है। उसके बाद ये है सिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, और इसमें से ये जो राइट कॉर्नर के दो शेड्स है, एक थोड़ा ब्राउन है एक थोड़ा पीच है, दोनों को मैं लगाऊंगी एज अ ब्लश, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्राउनिंग इफेक्ट भी देना था। उसके बाद उसके ऊपर एक शिमरी शेड है, तो उससे मैं हाईलाइट करूंगी आज मेरे चिकबोन पे, नोज पे, देन फोरहेड पे, मेरे चिन पे और क्यूपिड्स बो पे। उसके बाद मैंने यूज करी है यूरोप गर्ल पेरिस की ये लिपस्टिक, और इसका शेड है EG506 फ्लर्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है लाइक फ्यूशिया पिंक। और उसके बाद अगेन मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है मिस क्लेयर का, तो ये मेरा
मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे बिंदी भी लगा ली है बड़ी वाली, तो बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है ये लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।